बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। लक्ष्य, मैं भी कुछ ठीक हूँ। तो नाज़रीन, आज हम बनाएंगे सेब का शरबत, जो कि बहुत ही मशहूर भी है, लोग शौक से पीते हैं। एक आजकल ट्रेंड में जा रहा है, लोग पसंद करते हैं इसे। रमज़ान है तो रमज़ान में मशरूबात तरह तरह पीने को दिल जाता है। तो मेरे शुरू करने आप सबसे दर्शक हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा आपको, कल ट्राई जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। तो वीडियो सबसे पहले, यहाँ मेरे पास बाउल है, इसके अंदर मैं ऐड करूंगी, मेरे पास दूध है उबला हुआ 1 गिलास है। मैं थोड़ा सा बना रही हूँ इसलिए। इसके अंदर हम ऐड करेंगे, फिर मेरे पास शुगर सिरप है, वो उसमें ऐड करेंगे। शुगर सिरप बनाना बहुत ही आसान है। इसे आप चीनी डालें, चीनी 1 कप, चीनी में 1 कप आप पानी डाल दें, ऐड कर दो, उसे गर्म कर लें। अब अच्छी तरह उसकी शीरा बन जाए, उसे आप चाहे तो कलरफुल ऐड कर लें, सॉरी फूड कलर ऐड कर लें, या चाहे ना करें, मैंने ऐड नहीं किया। तो ये डाला इसके अंदर हमने। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तुलसी के बीज, मेरे पास ये है, ये ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं बर्फ, और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सबसे लास्ट पे सेब। इसमें कद्दूकस किया हुआ है, छह साफ कर लेंगे। हम सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। रहमान रहीम। और ये नाज़रीन हमारा हो गया तैयार, सेब का शरबत तैयार होगा हमारा। आप इसे सर्व करें और पिएं, घर में जरूर ट्राई करें और मेहमानों को बना के दें। रमज़ान है तो इफ्तारी में पिएं, एकदम ठंडा कर देगा आपको पीने से। तो लाजमी ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक इसकी, लास्ट में आगे दिखाती हूँ आपको। देखिए हमारा सेब का शरबत तैयार हो चुका है, माशाल्लाह कितना दिखने अच्छा लग रहा है और पीने में ज़्यादा मज़ेदार है। तो घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइए कैसा लगा आपको, और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए। तो बहुत सारे तो वो भी आते हैं। अल्लाह हाफिज़।